ना हुआ कृष्णा को, उसे चक्कर आ गया था और बीपी अचानक से शूट अप हो गया, इस वजह से बीपी बीपी कैसे बढ़ सकता है उसका? इज ही ओके डॉक्टर, प्लीज टेल मी, लेट मी चेक हिम फर्स्ट। आपकी बच्ची के दिल में छेद है। मैं ना मरने से पहले अपना सब कुछ तुम दोनों भाइयों के नाम करना चाहती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सागर ही उसके पापा हैं। आपको नहीं लगता कि कृष्णा को ये बात पता होना चाहिए? हम बनारस जाएंगे दादी की इच्छा पूरी करने और पुलकित भैया और भाभी से मिलने। ये सब मेरी खुशी के लिए कह रहा है? तू नहीं जाना चाहता, तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं जाते। जहां इतने दिनों रह लिए हम सबके बिना, आगे भी रह लेंगे। मैं आपके लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूं कि मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता हूं। लेकिन हाँ, हम बनारस जरूर जाएंगे लेकिन चतुर्वेदी सदन में नहीं रुकेंगे। मैं उस घर में अपनी माँ को नहीं ले जा सकता जहां वो सोया रहती है। तू पापा से नाराज है ना? तो यहाँ का उस घर में रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और वो घर, वो परिवार हमारा, उनसे इतना दूर रहकर भी हम उनसे जुड़े हुए, वो रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते ना? कैसा था स्कूल? बहुत अच्छा रहा। टिफिन फिनिश किया? चलो आजा। मम्मा, साइकिल रेस करें क्या? वही अपना पुराना खेल? हम अपने वाले हेडली को टच कर कर आएंगे, ठीक है ना? आपकी बच्ची के दिल में छेद है। ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन ध्यान से साइकिल चलाना, ठीक है? लो अपना बैग दो, हमें अंदर रखते हैं। कृष्णा आराम से, इतनी तेज नहीं। कृष्णा आराम से। मम्मा, आज मैं फिर से फर्स्ट हो गई और आप हार गए, ऐसा क्यों होता है कि आप हमेशा हार जाते हो और मैं जीत जाती हूँ? क्योंकि कृष्णा चैंपियन है और चैंपियन को कोई नहीं हरा सकता, है ना? है ना? वो तो है। क्या बात है, आज कृष्णा बहुत खुश लग रही है, लगता है म्यूजिक क्लास में टीचर ने खूब तारीफ करी। हाँ, मैम ने वेरी गुड कहा था। और हाँ, एक और रीजन है, हमारी क्लास कल नेचर ट्रिप पे जा रही है, आनंद आश्रम। स्कूल ट्रिप आनंद आश्रम? हाँ, बहुत मजा आएगा, पिकनिक भी होगी और सीखने के लिए भी कुछ मिलेगा। मेरे सारे फ्रेंड्स तो बहुत खुश हैं, हम लोग तो बहुत मस्ती करने वाले हैं। और मम्मा, मैं ना अपने साथ। नहीं, तुम नहीं जाओगी कृष्णा। क्यों? क्योंकि तुम। मैं क्या? बोलो ना, अगर सारी क्लास जा रही है तो मैं क्यों ना जाऊं? बोलो कृष्णा, अभी कल ही तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी ना, स्टिचेस लगे हैं, बस अभी तुम नहीं जाओगी। कशिश मासी ने कहा कि रेस्ट करो, फिर भी हमने तुम्हें स्कूल जाने दिया क्योंकि तुम्हारी म्यूजिक क्लास थी। लेकिन अभी अभी ट्रिप ट्रिप पे नहीं जाना है, पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो उसके बाद। लेकिन मम्मा, पूरी क्लास मेरा वेट थोड़ी ना करेगी।
और अब तो मैं ठीक हो गई हूँ ना। नहीं कृष्णा, तुम ठीक नहीं हुई हो। प्लीज मम्मा, प्लीज प्लीज मम्मा, प्लीज कृष्णा प्लीज जिद मत करो। हमने कहा ना नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। आपने बुला दादी पुलकिता। तेरी मम्मी का फोन आया था लंदन से, लल्ला यहाँ आने को तैयार हो गया। सच? इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। मैंने भी मोम को और सागर को बहुत मिस किया था। अच्छा वो लोग आ रहे, लेकिन पापा से हम क्या कहेंगे? जब उन्हें पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेंगे? तू नीरू की चिंता मत कर पुलकित, मैं संभाल लूंगी। पर पता है मुझे एक दूसरी बात की बड़ी चिंता हो रही है। किस बात की? लल्ला ने शर्त रखी है वो यहाँ हमारे घर पे नहीं रहेगा। यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ऐसा क्यों कहा उसने? अरे उस सोया के लिए और किसके लिए? उसे कहा है कि जिस घर में वो सोया रहती है ना वहां पे मैं कदम नहीं रखूंगा। और कुछ गलत भी नहीं कह रहा, दोष नहीं है उसका। आप फिक्र मत करो दादी, मैं सागर से बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं मेरी बात मान लेगा? वो नहीं मानेगा पुलकित। मैं अपने लल्ला को खूब अच्छे से जानती हूँ। मम्मी उसके ना बहुत कड़वाहट है उस सोया के लिए। ठीक है, अगर वो लोग यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो मैं होटल्स में रूम बुक करूँ। नहीं 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 ना, मेरा पोता और मेरी बहू होटल में? ना ना, मैं उन्हें होटल में नहीं रहने दूंगी। दादी फिर आप लोग आश्रम में? महाराज जी का है? महाराज जी? जी अम्मा जी। आश्रम फोन करो, कहो कि लल्ला और बहू वहाँ ठहरेंगे। और सुनो, घर की धुली हुई चादरें और तकिए के गिलाफ और कंबल वही पहुंचा दो आश्रम में। जी मैं अभी फोन कर देता बेटे यहाँ आकर अब्बू को बहका दिया तो, उन्हें अपनी तरफ कर लिया तो, और उस बुढ़िया ने उन दोनों को हमेशा के लिए अपने पास रोक लिया तो मेरा क्या होगा? वैसे ही दादी की जान बसती है अपने लल्ला में। सागर और उसकी माँ को मनाने में कामयाब हो गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा? तो तुम्हारे अब्बू की जायदाद में एक हिस्सेदार और बढ़ जाएगा और हमारी जोया रानी हाथ मलती रह जाएगी। तमीज से बात कर, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ओहो, अभी से इतने देवर? अरे अभी तो जायदाद हाथ में आई नहीं, कल को जब तुम अमीर हो जाओगी तो पता नहीं क्या क्या करोगी। अच्छा मजाक छोड़ो, कहो तो मैं कुछ करूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम बीच में पड़ोगे सब कुछ बिगाड़ दोगे। अब जो कुछ भी करना होगा वो मुझे ही करना होगा। यही तो प्रॉब्लम है जोया रानी, कि तुम्हें इस बंदे पर भरोसा ही नहीं है। अगर मुझ पर छोड़ दो ना तो तुम्हारी सारी मुश्किलें यूं एक चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। अब तो करके ही दिखाना पड़ेगा ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए कि मैं कितने काम का बंदा हूँ।
आने दो सागर को। कृष्णा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मा आज तो स्कूल नहीं जाना था ना, मैंने आपको बताया था कि सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप मेरा बैकपैक क्यों कर रहे हो? और मासी आप मेरा लंच बॉक्स क्यों रेडी कर रहे हो? हमने कब कहा कि तुम स्कूल जा रही हो? तुम तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ स्कूल पिकनिक पे जा रही हो ना। सच्ची मम्मा मैं भी जाऊंगी। बिल्कुल जाओगी, अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो बस छोड़ के चली जाएगी तुम्हें। वेलकम वेलकम, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। दीदी आप कृष्णा को पिकनिक पे भेज तो रही हैं, लेकिन आपके चेहरे से नजर आ रहा है कि आपको अभी से इतनी टेंशन हो रही है। गंगा दीदी जब कृष्णा को लेके आपके मन में इतना डर है तो उसे भेजने की क्या जरूरत है? कशिश हम चाहते हैं कि कृष्णा दूसरे बच्चों के साथ स्कूल पिकनिक पर जाए। हमने तुमसे कल कहा था ना कि हम कृष्णा से उसका बचपन नहीं छीनना चाहते। हाँ एक माँ होने के नाते हमें डर लगता है, घबराहट होती है, मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि कहीं ये हो गया कहीं वो हो गया तो। लेकिन हम अपने डर के कारण कृष्णा को घर में बंद करके तो नहीं रख सकते ना। तुमने उसका चेहरा देखा था कैसे खिल गया जब हमने उससे कहा कि वो पिकनिक पर जा सकती है। कृष्णा की मुस्कुराहट उसकी खुशी से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और हमने उसकी क्लास टीचर सुनीता मैम को सब कुछ बता दिया, उनसे ये भी कह दिया है कि कृष्णा को कुछ ना बताएं। सुनीता मैम ने कहा है उसका पूरा ख्याल रखें। और वैसे भी तो कुछ ही घंटे की बात है, आई एम श्योर कुछ नहीं होगा। जी दादी। लला पहुंच गया। अरे मैं कब से फोन लगा रही हूँ, गाड़ी में बैठा होगा ना? नहीं दादी गाड़ी आई नहीं अब तक, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। गाड़ी नहीं? पर मैंने तो पुलकित से कह दिया था कि ड्राइवर को हवाई अड्डे भेजे। गाड़ी देख देख ठीक से देख। पापा ने मना कर दिया होगा। पापा क्यों मना करेंगे लला, तू गलत समझ रहा है। वैसे भी नीरू यहाँ है नहीं, दिल्ली में बैठा है काम से। मैं वही समझ रहा हूँ दादी जो मैं देख रहा हूँ। पापा ने फोन कर दिया होगा ड्राइवर को दिल्ली से, कह दिया होगा नहीं जाने, ये तो कोई मुश्किल काम है नहीं। ठीक है जो भी है हम टैक्सी लेकर पहुंच जाएंगे। लला आश्रम जाने से पहले एक बार घर नहीं आएगा? दादी इतना ग्रैंड वेलकम मिल गया हमें यहाँ आते ही, आप रहने दीजिए, आप तो कल आश्रम आ जाइएगा। अजीब सा है, शक्ल से बेमान है ये ड्राइवर, मैंने क्यों रखा है इसको? इतना सा काम नहीं, इतनी बड़ी बात है, लल्ला बहू आ रहे पहुंचाने। जी फरमाइए। I'm sure पुलकित ने तुम्हें एयरपोर्ट जाने के लिए कहा होगा। जी बिल्कुल, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर गाड़ी टाइम पे पहुंचेगी नहीं सागर को एक और मौका मिल जाएगा अपने बाप से नफरत करने का, क्योंकि वो तो यही सोचेगा ना कि जज साहब ने मना कर दिया होगा, है कि नहीं? बस जी इसलिए नहीं क्या? मेरे साथ रहते रहते समझदार हो गए। गुड, वेरी गुड। तुम मौका ही नहीं देती जोया रानी, वरना मैं बता देता कि क्या चीज है ये सोना। खैर
आगे आगे देखती जाओ क्या होता है। चलो बच्चों आ जाओ सब जल्दी जल्दी। मम्मा आप बाकी मम्मियों जैसे क्यों नहीं हो? देखो ना सबकी मम्मी पूछ रही हैं। वाटर बॉटल रख ली, लंच बॉक्स रख लिया, बैग में नेम कार्ड लगा लिया, और आप, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। किसने कहा हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है? हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है, तभी तुम ज्यादा लाड नहीं करते। और अगर हम तुमसे एक एक चीज पूछेंगे, एक एक चीज चेक करेंगे, तो तुम अपना कोई काम खुद से करोगी ही नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारी कृष्णा एक इंडिपेंडेंट लड़की बने, जिम्मेदार लड़की बने, और अगर कभी कोई गलती हो भी गई तो हम है ना, हम सब संभालें। आप सच्ची में सबसे अलग हो मम्मा, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, सोचती रहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करूँ या कंप्लेन करूँ। इतना मत सोचो, तुम जाओ जाओ जाओ। Be a good girl. क्या बोल रहे हो आप? क्यों क्यों नहीं जाओगे आप? एक्स्ट्रा तो लगेगा ना साहब, वहाँ का रास्ता एकदम अलग है शहर से, और वापस आते टाइम कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। एक मिनट। बेवकूफ़ समझा है हमें? हम यहाँ पुराने रहने वाले, ठीक है, हमें सब पता है कि कहाँ जाने का कितना लगता है और कहाँ से सवारी मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है? सागर ये कुछ भी बोल रहे हैं। छोड़ ना, जाना तो है ही ना आश्रम। रख लो भैया, तुम ले लेना पैसे। अरे लेकिन चलो रख दो सामान। प्लीज लेके चलिए आप इसे, गाड़ी में रखिए। पापा ने एक बार भी नहीं सोचा हमारे पास सामान हो सकता है, हम कैसे जाएंगे? नहीं मेरे बारे में नहीं, कम से कम आपके बारे में तो सोचना चाहिए था ना। 7 साल बाद आ रही हैं आप। छोड़ना सागर, आश्रम तो पहुंचना ही है ना। मुझे लगता है पापा हमारे आने से खुशी नहीं है, इसीलिए काम के बहाने से दिल्ली चले गए वो। सागर छोड़िए, तू जा जाके पानी की एक दो बोतलें ले, रास्ते में लगेंगे। भैया दो बोतल पानी दीजिए। हे भगवान, कुछ ऐसा कीजिए कि सागर के मन से सारी नाराजगी और कड़वाहट निकल जाए। मैं उसे फिर से खुश देखना चाहती हूँ। काश यही मेरे सागर को मन की शांति और खुशी मिल जाए। आज कृष्णा को नहीं लाए दीदी? अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे। अच्छा अच्छा, कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो दीदी। गंगा जी फिर से निर्मल और शुद्ध हो जाएंगे। दो बोतल और दे दीजिए। बार बार उसकी आवाज क्यों गूंजती है हमारे दिमाग में? Thank you.
नो गंगा, पता है मुझे इस शहर के हर कोने में तेरी याद बसी हुई है। हवा का हर झोंका तेरे यहां होने का एहसास दिलाएगा, लेकिन मैं तुझे ढूंढने वाला नहीं, ना ही तुझसे मिलूंगा। अपने आप से प्रॉमिस किया है मैंने, वापस मुड़कर तेरी तरफ कभी नहीं देखूंगा मैं। गंगा शुक्ला बहुत ही अच्छे वकील है, पता है गंगा नदी को दोषी धोने से बचाने के लिए बहुत काम कर रही है, आप जानते हैं ना। लगता तो यही था कि जानता हूं मैं इसे, लेकिन बहुत जल्दी पता चल गया कि गलतफहमी थी मेरी। नहीं जानता मैं इस लड़की को, नहीं जानना चाहता हूं।